हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। ये हमने एक आटा ले लिया है, इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से गूंदेंगे। ये देखिए, हम मिला रहे हैं आटे को। ये देखिए, हमने आटे को मिला है। हम ऑयल डाल के गूंदेंगे। तेल, इसमें हम तेल डाल के गूंद रहे हैं, पानी नहीं लगाना इसमें। ये देखिए, इससे हमारा आटा मुलायम हो जाएगा। हमारा आटा मुलायम हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा आटा गूंद गया। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये देखिए, इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब हम अपने आलू में मसाला डालेंगे। ये देखिए, हमारे आलू उबल चुके हैं। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। ये हमने नमक डाल दिया। ये हम 1 चम्मच मिर्ची डालेंगे पिसी हुई। ये हम थोड़ी सी मेथी डालेंगे, थोड़ी और डालेंगे हम। ये हम थोड़ा सा पुदीना काट के डालेंगे। आप चाहो तो हरा धनिया भी डाल सकते हो। अब हम इसको अच्छी तरह से फोड़ेंगे। ये देखिए, हमारा आलू मिल गया अच्छी तरह। अब हम इसमें साबुत धनिया का और जीरे का तड़कन लगाएंगे। ये देखिए, हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। इसमें हम साबुत धनिया और जीरा डाल देंगे। ये देखिए, हमारा तड़कन हो गया। अब हम इसको आलू में डालेंगे। ये हम आलू में डाल रहे हैं। हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरह। अब हम अपने पराठे बनाने शुरू करेंगे। ये देखिए, इसके हम पेड़े बनाएंगे तेल लगा के। ये हम पेड़े बना रहे हैं। पेड़े बना लिए हमने। अब इसको हम हल्के से बेलेंगे। ये देखिए, ये हमने बेला। अब इसमें हम आलू भरेंगे। ये देखिए, आलू हम भर रहे हैं। हम आलू भरेंगे इसी तरीके से। देखिए, हमने आलू भर लिया। इसको हम इस तरीके से बंद करेंगे। ये हमने बंद कर दिया। ये हम सभी पेड़ अपने ऐसे बना के रख लेंगे। अब हम ये दूसरा फिल देंगे। ये देखिए, इसको भी हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। ये देखिए, इसमें भी हम सब हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए, इसमें भी हम आलू भरेंगे। सब इसी तरीके से बनाने हैं। अब हम इसको बेलेंगे। ये हम बेल रहे हैं। ये देखिए, इसको हम बेल रहे हैं हल्के हल्के हाथ से। इसी तरीके से हम बेलेंगे। ये देखिए, हमारा पराठा बेल गया, कहीं से फटा भी नहीं। ये हमने तवा रख दिया। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं। इसको हम चारों तरफ करेंगे। देखिए, इसमें हम अपना पराठा डालेंगे। ये हमने डाल दिया। इस पे हम ये ऑयल डालेंगे। देखिए, हमने
हम इसी तरीके से सेकेंगे। हम और तेल डालेंगे, ये हमने पलट दिया, देखिए ये सिक रहा है। अब हम इसको घुमाएंगे एक तरफ, ये देखिए हमारा पराठा सिक चुका। अब हम इसको उतार लेंगे, हम फिर से दूसरा पराठा बेलेंगे। ये हम हल्का हल्का हाथ से बेल रहे हैं, देखिए गोल बेलन नहीं चलाना है इसमें। ये देखिए, देखिए हमारा पराठा बेल गया, कहीं से फटा भी नहीं, आराम से अब हम इसको उठ रहा है। ये देखिए, देखिए हमने तवे पे डाल दिया, ये हम पलटेंगे अब। ये देखिए पलट दिया, इसमें हम ये तेल डालेंगे। अब हम इसको फिर से पलटेंगे, देखिए इस तरीके से सेकेंगे हम। देखिए देखिए हम सेक रहे हैं, इसको हम पलट देंगे। देखिए इसको हमने पलट दिया, ये सिक रहा है हमारा पराठा। देखिए सीख गया, ये देखिए अच्छी तरीके से। ये हम फिर से बेलेंगे, देखिए हम बेल रहे हैं। देखिए हमारा पराठा बेल चुका, ये अच्छी तरीके से हम उठा भी लेंगे। ये उठा लिया, ये हमने डाल दिया था, इसको हम पलटेंगे। ये देखिए हमने पलट दिया, अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये देखिए इसको हम फिर से पलटेंगे, इसको हम पलटेंगे। ये हम फिर से इसी तरीके से बेलेंगे, ये देखिए बिल रहा है। देखिए ये बिल चुका, ये हमने बेल लिया, इसको हम उठाएंगे अपने तवे पे डालेंगे। देखिए इसको भी हम इसी तरीके से सेकेंगे, ये हम पलटेंगे। पलट दिया, ये हम फिर से पलटेंगे। देखिए देखिए ये भी सिक चुका, तो हम उतार लेंगे। ये देखिए हमारा आलू का पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। आप इसको सॉस के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। Thank you.